हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ एसके अकाउंट क्लासेस। सो गाइस, आज हमारे पास आपकी तीसरी वाली डिमांड है और इसको मैं लाने वाला हूं एक अगले हेडिंग के साथ। आज हमारा एक और हेडिंग है, देखिए हमारे पास बेस्ड ऑन क्रेडिट बैलेंस। बेस्ड ऑन क्रेडिट बैलेंस सबसे अब तक का आपका ऐसे समझिए थोड़ा टफ रहने वाला है, क्योंकि ये बाकी से थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। क्योंकि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आप कुछ कॉजेस, कुछ डिफरेंस जो होते हैं हमारे टाइम पीरियड गैप्स में, आप उसे ध्यान से पढ़ लेंगे। तो आई होप आप सबने एक बार पढ़ लिया होगा और मैं इधर तो बताने वाला हूँ ही आपको। तो स्टार्ट करेंगे अपने इस वीडियो को, और इसके पहले जान लेते हैं कि हम किस बुक को देख के चलेंगे। अगर क्रेडिट बैलेंस देख रहे हैं अपने पासबुक का, कौन से बुक देख के चलते हैं? कैश बुक को देख के चलते हैं। यस, देखिए अगर डेबिट बैलेंस देख के चलते होते उस समय हम किसको देख के चलते हैं? अपने पासबुक को देख के चलते। यहाँ पे उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को, डेबिट क्रेडिट आपको कहाँ किस टाइम पे चेंज करना है, किस बुक को देख के चलना है, इसको ध्यान से एक बार और मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो आप फिर से देख लीजिएगा। एग्जाम में जाने के पहले एक बार और देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, पहले तो दिया हुआ है डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक 5260 का, इतना तो दिया हुआ है। और आपको मैं बता दूँ प्लस कॉलम में इसको लिखते हैं, ठीक है, इतना तो हमें पता चल गया। अब मैं पहला ट्रांजेक्शन पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा हर बातों को मेरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने ही आने हैं, समझ लीजिए। इन मार्च चेक वर इशू अमाउंटिंग टू 10,400, आउट ऑफ विच चेक इज ऑफ 8,600 वर प्रेजेंटेड इन मार्च। यहाँ देखिए मार्च का हमारा जो मंथ चल रहा है उसमें क्या कह रहा है, 10,400 का जो चेक इशू हुआ उसमें से 8,600 का प्रेजेंट कर दे, मतलब क्या हुआ, प्रेजेंटेड हो गया, मतलब क्या कट गया, ठीक है। और रेस्ट वर नॉट प्रेजेंटेड सो फार, मतलब कि जो बचा हुआ अमाउंट है 1,800 जो बच गया वो प्रेजेंटेड, मतलब क्या शो नहीं कर रहा है हमारे अब तक के पेमेंट पे, मतलब जो इशू किया ना हमने, मतलब निकाला पेमेंट करना, इशू करना बराबर होता है, तो जब निकाला तो एंड रेस्ट वर नॉट प्रेजेंटेड, उतना अमाउंट प्रेजेंट नहीं हो रहा है, तो कुछ टाइम बाद निकल जाएगा। कुछ देखिए जरूरी नहीं, इतना समझिए टाइम पीरियड गैप में, आप इतना दिमाग में बैठा लीजिए कि हर बार जरूरी नहीं होता है कि आपका पैसे, मतलब जो निकाल रहे हो या डिपॉजिट कर रहे हो या आपके टाइम पीरियड के हिसाब से आपने अगर ठान लिया हो 29 को होगा तो आपके हिसाब से तो चलेगा नहीं बैंक, तो काफ़ी टाइम पे होता है क्या इश्यूज हो जाते हैं, तो एक दो दिन आपको टाइम लग जाता है, तो उसमें आपका बैलेंस खाली वही देखना है। तो इसमें देखिए हमारे 1,800 क्या है, कटना तो है ही, माइनस तो हो जाएगा, ऐड तो हो नहीं रहा है, इतना देख के चलिए। इसमें ऐड तो रहेगा नहीं कुछ टाइम पीरियड के बाद भी या पहले भी, चाहे जो कह सकते हैं एक दो दिन में भी ऐड तो रहेगा नहीं। यहाँ क्या होगा, हमारा क्रेडिट मतलब माइनस हो जाएगा इसमें, मतलब बैंक से निकल जाएगा, तो माइनस कॉलम में लिख देंगे 1,800। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा निकलना ही है, ये निश्चित है, मतलब एकदम फिक्स है कि 1,800 हमारा निकल जाएगा, क्लियर है। चलिए फिर उसके बाद क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। अगर इसमें आपको ध्यान सुनिए, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक दिया हो और कह दे किसी भी चीज वजह से हो गया ये इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट अगर लग रहा है कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने कलेक्ट किया, तो वो हमारा जाएगा किसमें, हमारे माइनस कॉलम में जाता है, 460 दिया हुआ है, हम माइनस कॉलम में लिख देंगे इसको, क्योंकि बैंक डायरेक्टली कलेक्टेड करता है और अपने मतलब बैंक से क्रेडिट करता है, पासबुक में ज़्यादा अमाउंट शो करता है इसलिए हमारा ये माइनस कॉलम है, क्योंकि हमारे कैश बुक में कम शो करता है, पासबुक में ज़्यादा शो करता है, क्यों ज़्यादा शो करता है। अब हमारा जो माइनस कॉलम में शो करते हैं जब भी हमारा, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि इसको हम क्या देख के चले, कैश बुक को, ठीक है, इतना समझ लेना आप क्लियर हो जाएगा, कैश बुक को ही देख के हम चल रहे हैं इसमें, ठीक। उसके बाद चेक ऑफ 8,000 वर डिपॉजिटेड इन बैंक, देखिए यहाँ पर डिपॉजिट का केस आ गया, ऑन 28 मार्च ऑफ विच चेक ऑफ 2,600 वर क्लियर ऑन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को कलेक्ट हो रहा है, मार्च तक का ही हम बना रहे थे, 31 मार्च तक चल रहे थे पर क्लियर हो रहा है दो दिन बाद। देखिए यहाँ डिपॉजिट का केस था, यहाँ इशू का केस था, है ना, यहाँ इशू कर रहे थे यहाँ डिपॉजिट करेंगे, इशू कर रहे हैं तो माइनस और डिपॉजिट कर रहे हैं तो क्या प्लस, यस प्लस होगा, कितने अमाउंट से 2,600, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद बैंक डेबिट 700 टुवर्ड पेमेंट ऑफ क्लब फी, बैंक क्या कर रहा है, डेबिट कर रहा है, डेबिट करता है तो डेबिट कॉलम हमारा कौन सा है, ये वाला है, बैंक डेबिट कर रहा है मतलब कैश बुक के हिसाब से, तो लिख देंगे 700 इधर,
ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, अब बी आर मतलब देखिए बिल रिसीवेबल होता है। जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज देखेंगे उसमें हमें मिल जाएगा कि बी आर क्या होते हैं, बी आर का एक्सचेंज मतलब कैसे कैसे करते हैं, बिल्स पेबल क्या होते हैं, सब हम देखेंगे उस चैप्टर में। ठीक है, यहाँ शॉर्ट नोट समझ लेते हैं। बी आर मतलब बिल रिसीवेबल। और 4000 वॉज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक डिसऑनर ऑन 13 मार्च, बट नो इनविटेशंस वर रिसीव फ्रॉम द बैंक टिल डेट। देखिए हमारे टिल मतलब डेट के अंदर ही अंदर कोई भी मतलब इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई। पहली बात तो ये डिसऑनर हो गया, हमारा बी आर मतलब क्या चेक होता है वो डिसऑनर हो गया। तो हमारे पास क्या है, निकला तो नहीं है ना, निकल तो नहीं पाया चेक, मतलब डिसऑनर हो गया, वापस आ गया, तो हमारे कैश में क्या इफेक्ट पड़ा, प्लस कॉलम में। ठीक है, टिल डेट इतना याद है कि डेट पे दे रहा है, तो हमारा कॉजेज और जितना भी डिफरेंस दिया हुआ है स्टार्टिंग में, जितने भी हमारे इन्फॉर्मेशन इंट्रोडक्शन में दिए बुक में, उनको एक बार रीड करते हैं जरूर चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्लस कॉलम में लिखेंगे 4000 लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं कुछ ट्रांजेक्शन और हैं। यस, एक लास्ट और बचता है हमारे पास, चेक ऑफ 4400 वर डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन 30 मार्च, ऑफ विच चेक ऑफ 3400 वर क्लियर टिल डेट। टिल डेट के अंदर 3400 रुपए का चेक हमारा क्लियर हो चुका है 4400 में से। अब बचा कितना, 1000 जो क्लियर नहीं हुआ। डिपॉजिट का केस है, डिपॉजिट के केस में हम क्या करते हैं आपको पता है, एड वाले कॉलम में लिख देंगे 1000 से। तो लगभग मैंने यहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन आपको बता दी, अब खाली ऐड करना रह गया। ऐड कर लेते हैं, कितना आ रहा है यहाँ पे 2260, इधर 13560। तो यहाँ देखिए डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक निकलेगा हमारा, यहाँ पे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि देखिए हमारा यहाँ डेबिट बैलेंस में ज़्यादा आ रहा है, इधर कम आ रहा है, तो इधर हम बैलेंस निकाल देंगे। कितना आ जाएगा 11300, है ना, इतने का बैलेंस आ गया। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। काफी इजी था ना, काफी छोटे में हमने सीख भी लिया और समझ भी लिया। मैं आपको पहले भी कहा था, अब भी कहता हूँ, आप यहाँ पे मुझसे सिर्फ सीखने आइए, रिटर्न करने के आप जब मैं बता रहा हूँ उसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद देख लीजिए मैं साइड भी हो जाऊंगा, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका मेन मोटिव यही होना चाहिए कि आप सीखें, ना कि राइटिंग पे आपका ज्यादा फोकस हो, आपको समझने पे हो, सीखने पे हो। मेरा वीडियो बनाने का पूरा एक कॉन्सेप्ट पूरा हुआ, ऐसे समझिए आप सीख ले बस। ठीक है, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके और एक डिमांड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।